नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर मिर्जापुर चौक दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर दिग्घी पश्चिम दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों का इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में, दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंस वियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर दरभंगा। विश्व के सबसे बड़े फैब्रिक निर्माता के कपड़े अब आपके शहर में, वो भी आपकी बजट में, ओनली विमल, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग शर्टिंग, रेडीमेड शर्ट पैंट, जींस एवं साड़ियाँ। पैक्स निर्वाचन 2019 हेतु 584 केंद्रों पर होगा मतदान। 3,45,241 वोटर करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने की बैठक। नल जल योजना का भेजें दैनिक प्रतिवेदन, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश। चाइल्ड लाइन दोस्ती सप्ताह कार्यक्रम का हुआ आयोजन। लोक शिकायत के विस्तारित वादों का 10 दिनों के अंदर करें निवारण, बोले जिलाधिकारी। कुलपति की अध्यक्षता में सभी अंगीभूत महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों एवं संकाय अध्यक्षों के साथ बैठक, छात्र संघ निर्वाचन पर चर्चा। मच्छरों के प्रकोप से त्रस्त लोगों के लिए पूर्व पार्षद ने शुरू करवाया दवा का छिड़काव। जयंती पर करें आत्मावलोकन, बोले कुलपति। महाराजाधिराज डॉक्टर सर कामेश्वर सिंह की जयंती पर संस्कृत विश्वविद्यालय में समारोह आयोजित। प्रमंडल के सभी परिवहन पदाधिकारियों की बैठक आयोजित, विभिन्न मामलों की हुई समीक्षा। संस्कृत विश्वविद्यालय के 23 नवंबर को होने वाली सीनेट की बैठक फिलहाल स्थगित। और मैराथन दौड़ के नाम पर ठगी मामले में एक गिरफ्तार। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर। से बड़े हीरो शोरूम केडी हीरो मब्बी दरभंगा की ओर से आप सबको धनतेरस, दीपावली एवं महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रत्येक हीरो मोटरसाइकिल एवं स्कूटर की बुकिंग एवं खरीदारी पर पूरे 15,000 तक का लाभ और साथ में 100% फाइनेंस की सुविधा। मात्र 3,999 रुपए के डाउन पेमेंट पर हीरो के स्कूटर ले जाएं और मात्र 4,999 रुपए के डाउन पेमेंट पर मोटरसाइकिल। केडी हीरो, NH57 कमतौल मोड, मब्बी दरभंगा। आओ भगत एवं सत्कार में गर्म जोशी, उत्सव मनाइए अब एक अलग और खास अंदाज में। होटल SG पैलेस, नाका नंबर 6, दरभंगा। 24 घंटे उपलब्ध अत्याधुनिक सुविधाएं, आरामदायक वातानुकूलित कमरे, शादी ब्याह और अन्य समारोह हेतु विशाल वातानुकूलित कॉन्फ्रेंस हॉल, बड़ी और बेहतर पार्किंग सुविधा के साथ। दाम उम्मीद से कम और फैशन उम्मीद से ज्यादा, शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंस वियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर दरभंगा। फैंसी साड़ी, सूट, दुपट्टा, लहंगा चुन्नी, जींस, शर्ट, टी शर्ट एवं बेडशीट, आएं और फर्क महसूस करें। एक ही जगह पर पाइए फर्नीचर की पूरी रेंज, हर डिजाइन है एक से बढ़कर एक, वह भी पूरी मजबूती के साथ। आइए फर्नीचर प्लैनेट दोनार चौक दरभंगा में, जहां सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल एवं सेंटर टेबल के साथ ऑफिस फर्नीचर भी है उपलब्ध। बजाज फाइनेंस द्वारा 0% ब्याज पर भी है प्रोडक्ट अवेलेबल। डायल करें 8409130705। डॉक्टर्स को लोग भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की असली ताकत होती है उनका सपोर्टिंग स्टाफ। और पिछले 20 सालों से DPMI तैयार कर रहा है दुनिया के सबसे बेहतरीन पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स, जिन पे बड़े से बड़े हॉस्पिटल और डॉक्टर भरोसा करते हैं। इसलिए तो आज DPMI के पास आउट देश विदेश के बेहतरीन हॉस्पिटल्स में नामी डॉक्टर्स के साथ में काम कर रहे हैं। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। और समाचार विस्तार के साथ। पैक्स निर्वाचन 2019 हेतु 584 केंद्रों पर होगा मतदान।
3,45,241 मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर त्याग राजन SM ने की बैठक। पैक्स निर्वाचन 2019 हेतु 584 केंद्रों पर कराए जाएंगे मतदान। 3,45,241 मतदाता अपने मताधिकार का करेंगे प्रयोग। जिला निर्वाचन पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM ने पैक्स निर्वाचन 2019 को स्वच्छ एवं निष्पक्ष संपन्न कराने हेतु सभी आवश्यक तैयारियां समय पूर्व पूरा कर लेने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि दरभंगा जिले में कुल 199 पैक्स के लिए निर्वाचन कराए जाने हैं। बिहार निर्वाचन प्राधिकार द्वारा दरभंगा जिला में कुल 5 चरणों में मतदान कार्यक्रम की घोषणा की जा चुकी है। पैक्स निर्वाचन हेतु कल 212 भवनों में 584 मतदान केंद्र का गठन किया गया है, जहाँ चरणवार मतदान होंगे। उन्होंने जिला सहकारिता पदाधिकारी दरभंगा को मतदान केंद्रों के संदर्भ में सभी शिकायतों का कार्यालय पंजी संधारित करते हुए संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी से समन्वय स्थापित करके सभी शिकायतों का शीघ्र निराकरण करने को कहा है। और अगर छूटे हुए हैं मान लीजिए तो वो दावा पत्र नहीं कर पाए तो आज अभी भी अगर वो चाहें तो करेंगे, उनको जो एक्सेप्ट करना है ये 5 दिन तक नाम। मैं कहूँगा कि सभी कोषांग, सभी संबंधित कोषांग, सभी अनुमंडल पदाधिकारी और सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी इसको ध्यान से पढ़ ली। ये सब होगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं, काफी कठोर कार्रवाई हो जाए। और बाकी बता दें उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ। तो सभी कोषांग, सभी BDO और सभी SDO समय निकाल कर पढ़िए, इसको समझिए। ये इलेक्शन अलग है, ये राज्य निर्वाचन प्राधिकार नियमावली से ये गाइड होता है पूरा इलेक्शन का नियमावली। इसलिए इसको समय निकाल के पढ़िए, अपने BCO को भी पढ़वाइए, सभी लोगों को डाउन द लेन कम्युनिकेशन कीजिए, हल्का से मत लीजिए। बाद में कुछ जो निर्देश था और उसके ठीक ऊपर नल जल योजना का भेजे दैनिक प्रतिवेदन, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को जिलाधिकारी का निर्देश। नल जल योजना का दैनिक प्रतिवेदन भेजने का निर्देश जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को सरकार के साथ निश्चय योजना के तहत हर घर नल का जल योजना का दैनिक प्रगति प्रतिवेदन भेजने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा मार्च 2020 तक हर घर में नल का जल पहुँचाने का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता सूची में है। मुख्यमंत्री बिहार इस योजना के प्रति काफ़ी गंभीर हैं। बिहार विकास मिशन द्वारा भी नल जल योजना की नियमित समीक्षा की जा रही है। उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को छूटे हुए वार्डों में अविलंब नल जल योजना का कार्य प्रारंभ कराने को कहा है। वे नल जल योजना की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। चाइल्ड लाइन दोस्ती सप्ताह कार्यक्रम का हुआ आयोजन। चाइल्ड लाइन दोस्ती सप्ताह कार्यक्रम अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस की पूर्व संध्या पर वरीय पुलिस अधीक्षक, नगर पुलिस अधीक्षक, मंडल कारा अधीक्षक दरभंगा के साथ साथ मीडिया बंधुओं के साथ चाइल्ड लाइन से दोस्ती कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्ची सयोना कुमारी के द्वारा चाइल्ड लाइन से दोस्ती बैंड बांधा गया। चाइल्ड लाइन 10-9-8 के कार्य एवं उद्देश्य पर विस्तारपूर्वक जानकारी केंद्र की समन्वयक आराधना कुमारी द्वारा दी गई। उनके द्वारा आश्वस्त किया गया कि जिले में JJ एक्ट 2015 एवं बच्चों से संबंधित कानून का अनुपालन करवाया जाएगा। कार्यक्रम में कई लोग उपस्थित हुए। लोक शिकायत के विस्तारित वादों का 10 दिनों के अंदर करें निष्पादन, बोले जिलाधिकारी। लोक शिकायत के विस्तारित वादों का 10 दिनों के अंदर करें निवारण, बोले जिलाधिकारी। DM दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM द्वारा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जिला अनुमंडल लोक शिकायत निवारण कार्यालयों में दर्ज सभी विस्तारित वादों का 10 दिनों के अंदर निवारण करने का निर्देश सभी DPGRO SPGRO को दिया गया है। उन्होंने कहा कि नियत समय सीमा में परिवाद की सुनवाई कर उसका वास्तविक तौर पर निराकरण किया जाए। परिवाद की सुनवाई के वक्त संबंधित लोक
प्राधिकार स्वयं उपस्थित रहें। अगर किसी कारणवश लोक प्राधिकार स्वयं उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो किसी अन्य अधिकारी जो इस मामले से पूरी तरह भिज्ञ हों उन्हें पूर्ण प्रतिवेदन के साथ सुनवाई में पक्ष रखने हेतु भेजा जाए। वे कार्यालय प्रकोष्ठ में लोक शिकायत निवारण मामलों की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिला लोक शिकायत निवारण में कोई भी विस्तारित वाद नहीं है। इस कार्यालय में सभी परिवादों का नियत समय सीमा में निवारण किया गया है। कुलपति की अध्यक्षता में सभी अंगीभूत महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों एवं संकाय अध्यक्षों के साथ बैठक का हुआ आयोजन। छात्र संघ निर्वाचन पर चर्चा। सभी अंगीभूत महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों एवं विभिन्न संकायों के संकाय अध्यक्षों की बैठक आयोजित हुई ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में। उन कुलपति के निर्देश पर बैठक की कार्रवाई प्रारंभ हुई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी प्रोफेसर चंद्रभानु प्रसाद सिंह ने कुलपति प्रतिकुलपति अध्यक्ष छात्र कल्याण उपस्थित संकाय अध्यक्षों एवं प्रधानाचार्यों का स्वागत करते हुए छात्र संघ निर्वाचन 2019-2020 के संदर्भ में बिंदुवार चर्चा प्रारंभ की। अध्यक्ष छात्र कल्याण प्रोफेसर रतन कुमार चौधरी ने चुनाव संबंधी अनुदेशों की चर्चा करते हुए और उसका अनुपालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने सभी प्रधानाचार्यों को परिसरों में आचार संहिता के अनुपालन को सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। बैठक में सम्यक विमर्शोपरांत कई निर्णय लिए गए। मतदान एवं मतगणना की तिथि को वीडियोग्राफी कराई जाए। महाविद्यालय स्तर पर शिकायत निवारण कोषांग का गठन किया जाए और शिकायतों का निपटारा वहीं किया जाए। मामले को सीधे विश्वविद्यालय नहीं भेजा जाए। मच्छरों के बढ़ते प्रकोप से त्रस्त लोगों को निजात दिलाने के लिए पूर्व पार्षद डॉक्टर अब्दुल सलाम खान और मुन्ना खान ने शुरू करवाया दवा का छिड़काव वार्ड नंबर 29 में। मच्छर के प्रकोप से त्रस्त हैं दरभंगा के लोग। ऐसे में जन अधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष दरभंगा नगर निगम के पूर्व पार्षद वार्ड नंबर 29 अब्दुल सलाम खान और मुन्ना खान ने मच्छरों को खत्म करने के लिए शुरू किया है छिड़काव। न्यूज़ टुडे से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह छिड़काव लगातार चलता रहेगा तब तक जब तक कि लोग राहत न महसूस करने लगें। जयंती पर करें आत्मावलोकन, बोले कुलपति डॉक्टर सर्वनारायण झा। महाराज अधिराज डॉक्टर सर कामेश्वर सिंह की जयंती पर संस्कृत विश्वविद्यालय में समारोह आयोजित। जयंती पर करें आत्मावलोकन, कहा कुलपति ने। सांस्कृतिक व परंपराओं के अनुयायी थे महाराजा, बोले प्रोविसी। महादानशीलता के कारण स्थापित हो सका विश्वविद्यालय, कहा डॉक्टर झा ने। महाराजाधिराज डॉक्टर सर कामेश्वर सिंह की जयंती मनी। संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक महाराजाधिराज सर डॉक्टर कामेश्वर सिंह की 113वीं जयंती समारोह की अध्यक्षता करते हुए कुलपति प्रोफेसर सर्वनारायण झा ने कहा कि उनका व्यक्तित्व व कृतित्व दोनों अविस्मरणीय व अनुकरणीय है। इस अवसर पर हम सभी को आत्मावलोकन करने की जरूरत है। महापुरुषों को याद करने की वजह यही रहती है कि हम लोग भी उनके त्याग तपस्या व लोक कल्याण की भावना से कुछ सीखें और उसे आत्मसात भी करें। दरबार हॉल में आयोजित इस समारोह में वीसी ने यह भी कहा कि बुजुर्गों को स्मरण करने से कुछ नया करने की नई ऊर्जा व शक्ति मिलती है। प्रमंडल के सभी परिवहन पदाधिकारियों की बैठक आयोजित, विभिन्न मामलों की हुई समीक्षा। संयुक्त आयुक्त सह सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार दरभंगा विनय कुमार की अध्यक्षता में प्रमंडल के सभी परिवहन पदाधिकारियों के साथ परिवहन विभाग से संबंधित मामलों की समीक्षात्मक बैठक का आयोजन हुआ। कई अहम मुद्दों पर निर्णय लिए गए। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कामेश्वर नगर दरभंगा दशम दीक्षांत समारोह विज्ञप्ति संख्या कन्वोकेशन 2/2019
दशम दीक्षांत समारोह में उपाधि प्राप्त करने हेतु निर्धारित शुल्क एवं वांछित अभिलेख के साथ जो छात्र छात्राएं विश्वविद्यालय ज्ञापांक कन्वोकेशन 1/2019 दिनांक 14/9/2019 के अनुसार अपना आवेदन पत्र जमा कर चुके हैं उन्हें एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वे आवेदन रसीद के साथ दिनांक 8/9/2019 एवं 9/9/2019 को पूर्वाह्न 10:30 बजे से अपराह्न 3 बजे तक अपने विषयगत स्नातकोत्तर विभाग से प्रवेश पत्र अंगवस्त्र एवं पाग निश्चित रूप से प्राप्त कर लेंगे। उपाधि प्राप्त करने संबंधी पूर्वाभ्यास के लिए अनिवार्य रूप से दिनांक 10 नवंबर 2019 को पूर्वाह्न 11 बजे रसीद एवं प्रवेश पत्र के साथ डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में उपस्थित होंगे। साथ ही दिनांक 12 नवंबर 2019 को निश्चित रूप से पूर्वाह्न 8 बजे से 9:30 बजे के मध्य दीक्षांत समारोह स्थल डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में प्रवेश कर लेंगे। प्रत्येक डीलिट पीएचडी एवं स्नातकोत्तर उपाधि धारक छात्रों को सफ़ेद पायजामा कुर्ता या धोती कुर्ता एवं छात्राओं को सफ़ेद सलवार लेमन येलो कुर्ता या लाल बॉर्डर के साथ लेमन येलो साड़ी तथा लाल रंग का ब्लाउज निर्धारित है जिस सभी प्रतिभागियों को अपने स्तर से व्यवस्था करनी होगी। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के माननीय अधिषद अभिषद एवं विद्वत परिषद के सदस्यों से अनुरोध है कि दिनांक 11 नवंबर 2019 को विद्वत शोभा यात्रा के पूर्वाभ्यास हेतु अपराह्न 1 बजे तथा दिनांक 12 नवंबर 2019 को पूर्वाह्न 10 बजे तक दीक्षांत समारोह स्थल डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में उपस्थित होने की कृपा करेंगे। कुलपति के आदेश से कुलसचिव ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कामेश्वर नगर दरभंगा। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन आर नेम टू ट्रस्ट अपॉन हेरू इंग्लिश स्कूल दरभंगा। क्वालिटी एजुकेशन विद बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। ऑल द व्हीकल्स आर इनेबल्ड विद जीपीएस। रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स लैब। वेरी गुड फैसिलिटीज फॉर बोथ इंडोर एंड आउटडोर गेम्स। कंप्लीट स्कूल कैंपस इज अंडर सीसीटीवी सर्विलांस। रेगुलर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद पेरेंट्स थ्रू SMS अलर्ट सिस्टम। एम्फेसिस ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट। नो री एडमिशन चार्जेस फॉर ओल्ड स्टूडेंट्स। 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details dial 7763819774. ब्रेक के बाद एक बार अपना आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे नजर एक बार फिर हेडलाइंस। पैक्स निर्वाचन 2019 हेतु 584 केंद्रों पर होगा मतदान। 3,45,241 वोटर करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने की बैठक। नल जल योजना का भेजें दैनिक प्रतिवेदन। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश। चाइल्ड लाइन दोस्ती सप्ताह कार्यक्रम का हुआ आयोजन। लोक शिकायत के विस्तारित वादों का 10 दिनों के अंदर करें निवारण, बोले जिलाधिकारी। कुलपति की अध्यक्षता में सभी अंगीभूत महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों एवं संकाय अध्यक्षों के साथ बैठक। छात्र संघ निर्वाचन पर चर्चा। मच्छरों के प्रकोप से त्रस्त लोगों के लिए पूर्व पार्षद ने शुरू करवाया दवा का छिड़काव। जयंती पर करें आत्मावलोकन, बोले कुलपति। महाराजाधिराज डॉक्टर सर कामेश्वर सिंह की जयंती पर संस्कृत विश्वविद्यालय में समारोह आयोजित। प्रमंडल के सभी परिवहन पदाधिकारियों की बैठक आयोजित। विभिन्न मामलों की हुई समीक्षा। संस्कृत विश्वविद्यालय के 23 नवंबर को होने वाली सीनेट की बैठक फिलहाल स्थगित। आओ मैराथन दौड़ के नाम पर ठगी मामले में एक गिरफ्तार। 23 नवंबर को होने वाली संस्कृत विश्वविद्यालय के सीनेट की बैठक फिलहाल स्थगित। कामेश्वर सिंह, दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में सीनेट की 23 नवंबर को होने वाली बैठक फिलहाल स्थगित। संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाली सीनेट की 43वीं बैठक जो 23 नवंबर को होने वाली थी इसे स्थगित कर दिया गया है। उक्त जानकारी देते हुए PR निशिकांत ने बताया कि सीनेट की अगली बैठक की तिथि बाद में मुकर्रर की जाएगी। बता दें कि राज्य सरकार के नए निर्देशों के अनुसार 2020-2021 के वार्षिक बजट को तैयार करना है जो समय साध्य है और इसी बजट पर चर्चा सीनेट का मुख्य एजेंडा भी था। बजट पूर्ण नहीं होने के आलोक में बैठक स्थगित की गई। वहीं कुल सचिव नवीन कुमार ने इस आशय की अधिसूचना जारी करते हुए सीनेट के सदस्यों को भी सूचित करने का निर्देश दिया है। मैराथन दौड़ के नाम पर ठगी मामले में एक गिरफ्तार। बिहार इंटरनेशनल मैराथन के नाम पर ठगी मामले में एक हुआ गिरफ्तार। बिहार इंटरनेशनल मैराथन प्रतियोगिता के नाम पर ऑनलाइन ठगी के मामले में एक आरोपित को पुलिस ने धर दबोचा है। गिरफ्तार आरोपित का नाम गंगा यादव बताया जा रहा है। हालांकि इस मामले में पुलिस कुछ भी अभी बता नहीं रही है।
10 नवंबर को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए देश के विभिन्न क्षेत्र से हजारों प्रतिभागी दरभंगा पहुंचे थे। प्रतियोगिता में भाग लेने के नाम पर प्रतिभागियों से रजिस्ट्रेशन के ऑनलाइन और ऑफलाइन 900 से लेकर 1500 रुपये तक वसूलने की खबर है। आयोजन स्थल पर आयोजकों की ओर से टी शर्ट, जूस और अन्य सुविधाएं नहीं देने से उस दिन प्रतिभागी आक्रोशित हो गए थे। 10 नवंबर की सुबह यह मामला हुआ था। आक्रोशित प्रतिभागियों ने आयोजन स्थल पर बने शामियाना, कुर्सी, माइक और टेबल में आग लगाकर बड़ा बवाल कर दिया था। बागघर मोड़, बेला मोड़ पर जाम कर दिया था सड़क को। काफ़ी नुकसान सरकारी संपत्ति का भी हुआ था। बिहार इंटरनेशनल मैराथन के अध्यक्ष रमन जी यादव सहित 3 लोगों पर उस दिन प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। टेंट हाउस के संचालक ने भी प्राथमिकी दर्ज कराई थी और इन्हीं में से एक आरोपी गंगा यादव को पुलिस ने फिलहाल धर दबोचा है। इस खबर पर हमारी नज़र बनी है। आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक तुरंत पहुँचाएंगे। जयंती पर याद की गई पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री आयरन लेडी इंदिरा गांधी की 102वीं जयंती के अवसर पर मंगलवार को मिर्जापुर स्थित इंदिरा गांधी शक्ति स्थल पर कांग्रेस जनों ने जिलाध्यक्ष सीताराम चौधरी की अध्यक्षता में उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में कांग्रेस जनों ने केक काटकर जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर एक संगोष्ठी का भी आयोजन हुआ। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष सीताराम चौधरी ने कहा कि फौलादी हौसला वाली पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को आधुनिक भारत निर्माण में दिए गए योगदान को आज भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में याद किया जा रहा है। सांसद के कदम का विद्यापति सेवा संस्थान ने किया जोरदार स्वागत। सांसद के कदम का विद्यापति सेवा संस्थान ने किया स्वागत। भारत के सर्वोच्च विधायी निकाय के समक्ष जनक नंदनी जानकी की भाषा मैथिली में करोड़ों मैथिली भाषी के मन की मुराद को रखकर दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। यह कहा विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर वेदना चौधरी बैजू ने सोमवार को लोकसभा में गोपाल जी ठाकुर द्वारा मातृभाषा मैथिली को संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज, मैथिली भाषा में स्वतंत्र चैनल शुरू किए जाने की मांग पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कही। उन्होंने कहा कि सांसद के इस कदम ने न सिर्फ 8 करोड़ मैथिल को गौरव का एहसास दिलाया है बल्कि उन्होंने अपने इस कृत्य से माँ मैथिली के दूध का कर्ज भी अदा किया है। मैथिली अकादमी के पूर्व अध्यक्ष कमलाकांत झा ने कहा है कि मैथिली का स्वतंत्र चैनल शुरू होने से न सिर्फ इस भाषा के प्रचार प्रसार का मार्ग प्रशस्त होगा बल्कि रोजगार के अवसर भी सहज ही सुलभ होंगे। साहित्यकार मणिकांत झा ने सांसद द्वारा सदन के पटल पर मैथिली में बात रखे जाने का स्वागत करते हुए कहा कि यह काफ़ी पुरानी मांग है। जीवकांत मिश्र ने कहा कि स्वतंत्र चैनल शुरू होने से मैथिली मंच के कलाकारों को अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म उपस्थित हो सकेगा। वहीं प्रवीण कुमार झा ने कहा कि भारत के सर्वोच्च सदन में मैथिली भाषा में सांसद द्वारा अपनी बात रखे जाने से मैथिलों का सिर गर्व से ऊँचा हुआ है। इस कदम का स्वागत करने वाले लोगों में अजय नाथ झा शास्त्री, विनोद कुमार झा, विजयकांत झा, चंद्रमोहन झा, चंद्रशेखर झा, बूढ़ा भाई, आशीष चौधरी समेत कई लोग शामिल हैं। टूर डे लायंस की टीम का NH-57 पर हुआ स्वागत। लायंस क्लब दरभंगा टाउन ने NH-57 पर टूर डे लायंस के टीम का स्वागत किया। 20 लायंस सदस्यों की टीम कच्छ, गुजरात से कामरूप, आसाम तक करीब 3,500 किलोमीटर की 24 दिवसीय साइकिल यात्रा पर हैं। अपने तरह की यह सबसे लंबी दूरी की साइकिल रैली है जिसमें संयोजक लायन अमित शाह और टीम लीडर चेन्नई की लायन राज लक्ष्मी हैं। साइकिल टीम का नेतृत्व लायन मेजर जनरल ABK मोहन कर रहे हैं। लायंस क्लब दरभंगा के प्रेसिडेंट SM माइकल ने बताया कि यात्रा का मंत्र पानी बचाओ, प्लास्टिक हटाओ और पक्षी उपयोगी फलदार लगाओ। क्लब के सचिव लायन अनिल कुमार सिंह ने रैली के उद्देश्य की विस्तृत जानकारी दी। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की दरभंगा शाखा द्वारा बच्चों के बीच प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की दरभंगा शाखा द्वारा सरस्वती कन्या मध्य विद्यालय में बाल विकास पखवाड़ा के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिताएं कराई गईं। बच्चों के बीच निबंध प्रतियोगिता, पेंटिंग
प्रतियोगिता, कार्ड बनाना, मॉडल बनाना इत्यादि इसमें शामिल हैं। सभी बच्चों के बीच क्विज करवाया गया। साथ ही शाखा की अध्यक्षा नीलम पंसारी तथा मधु सरावगी सचिव द्वारा तुलसी आंवला के गुणों के बारे में बताया गया कि तुलसी एक ऐसा पौधा है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। तुलसी के ताज़े पत्ते खाने से सर्दी, जुकाम व बुखार को भी ठीक किया जा सकता है। तुलसी के पत्तों के साथ ही तुलसी के बीज भी कई शारीरिक समस्याओं का निदान कर सकते हैं। इनमें काफ़ी मात्रा में प्रोटीन, फाइबर और आयरन होता है, इसलिए ये पौधे सबों को लगाने चाहिए। ये जब तक का समाचार बिताएंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। पैक्स निर्वाचन 2019 हेतु 584 केंद्रों पर होगा मतदान। 3,45,241 वोटर करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने की बैठक। नल जल योजना का भेजें दैनिक प्रतिवेदन, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश। चाइल्ड लाइन दोस्ती सप्ताह कार्यक्रम का हुआ आयोजन। लोक शिकायत के विस्तारित वादों का 10 दिनों के अंदर करें निवारण, बोले जिलाधिकारी। कुलपति की अध्यक्षता में सभी अंगीभूत महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों एवं संकाय अध्यक्षों के साथ बैठक, छात्र संघ निर्वाचन पर चर्चा। मच्छरों के प्रकोप से त्रस्त लोगों के लिए पूर्व पार्षद ने शुरू करवाया दवा का छिड़काव। जयंती पर करें आत्मावलोकन, बोले कुलपति। महाराजा अधिराज डॉक्टर सर कामेश्वर सिंह की जयंती पर संस्कृत विश्वविद्यालय में समारोह आयोजित। प्रमंडल के सभी परिवहन पदाधिकारियों की बैठक आयोजित, विभिन्न मामलों की हुई समीक्षा। संस्कृत विश्वविद्यालय के 23 नवंबर को होने वाली सीनेट की बैठक फिलहाल स्थगित। और मैराथन दौड़ के नाम पर ठगी मामले में एक गिरफ्तार। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगली सारणी में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 289 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।